भारतामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला एक देवानं कौशल्य संधी दिलेली असते. कौशल्य संधी आणि कौशल्य विकास याच्यात जर त्यांनी गती केली तर रोजगाराचा प्रश्न मिटू शकतो अशी ठाम संकल्पना घेऊन पुण्यामध्ये उडान एक्सप्रेसची सुरुवात करण्यात आलेली आहे. जीवन कौशल्य प्रशिक्षण ही याची मुख्य भूमिका आहे. पुण्यातील कोंढव्यामध्ये हा रुबाबदार आणि देखणा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. व्यक्तिमत्व विकासातून शिक्षण आणि सामाजिक सशक्तीकरणाचा संदेश देशामध्ये पसरवण्याचं काम उडान एक्सप्रेसमध्ये करण्यात येणार आहे. लोकांना स्वतःमध्ये बदल घडवावा लागणार आहे आणि हे बदल कशा प्रकारे घडवायचे आणि सोप्या पद्धतीने घडवायचे हे सांगण्याकरता ही उडान एक्सप्रेस सुरुवात झाली आहे. यामध्ये शिक्षणाची ज्योत जर समाजामध्ये आपण पेटवली तर निश्चितच त्यांच्या जीवनशैलीमध्ये बदल होऊ शकतो असं ठाम विश्वास उडान एक्सप्रेसच्या वेळी प्राप्तिकर आयुक्त अब्दुल गफार, शिक्षणतज्ज्ञ खालिद जाहीर, सामाजिक कार्यकर्ते साईनाथ बाबर आणि गफूर पठाण आदी मान्यवरांनी केली. पुण्यातील राबता फाउंडेशन यांच्या वतीनं उडान एक्सप्रेसची नुकतीच उद्घाटन करण्यात आलं. उडान एक्सप्रेस ये निकलेगा यहाँ से, आज उड़ान भरेगा और 25 से ये सफ़र शुरू होगा कर्नाटक से होते हुए और उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये बिदर जहराबाद से होते हुए वापस ये जाएगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद, बीड, परभणी, नांदेड़ और वहाँ से अकोट, अकोला, अमरावती, नागपुर, देन एमपी, उसके बाद बिहार और इस तरह से बिहार, झारखंड, देन झारखंड से यूपी का बहुत सारा हिस्सा और वहाँ से फिर दिल्ली और गुजरात से होते हुए भिवंडी में इसको एंड करेंगे. तकरीबन 11 स्टेट्स में 50 सिटीज़ कवर करेंगे. तो पिछले 10 साल से हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोगों से हमारे कांटेक्ट हैं, स्लम एरिया में, झोपड़पट्टी में और एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इसके प्रोग्राम होते रहेंगे. उड़ान का पर्पज़ ये है कि भाई उड़ान भरना, जो अपनी सोच को ऊँची उड़ान देता है खुदा भी उसको नया आसमान देता है. सेल्फ रिस्पेक्ट, ये हम अपने समाज के लिए खुद का कंट्रीब्यूशन क्या दें, ख़ासकर यूथ के लिए एजुकेशन अवेयरनेस पैदा करना, उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करना और आजकल जो डिस्टर्ब, डिप्रेशन, नफ़रत का भी माहौल जो पल रहा है उसमें अपने हिस्से का हमारा छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है. दिल से निकलती है असर रखती है, जो बात दिल से निकलेगी वो डेफिनेटली असर करेगी. तो हमारा यही पैगाम है इस उड़ान के थ्रू, यूथ के लिए भी और पूरी जनरेशन के लिए और पूरे समाज के लिए. मैंने माना बहुत रात है, अंधेरा है, घुटन भी ऐसी है जिसकी कोई मिसाल नहीं, चराग दिल के जलाओ तो कोई बात बने, पराए घर जलाना कोई कमाल नहीं. तो इसी मैसेज को लेकर निकले हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है, हम बहुत लकी हैं कि कोंडवा के शहरियों ने इसको हाथों हाथ लिया उस कंसेप्ट को और सलीम भाई ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया ताकि ये उड़ान की खबर दूर तक पहुँचे. मेरा नाम सईद अहमद है. राबता फाउंडेशन जो जिसके थ्रू ये प्रोग्राम होने जा रहा है, राबता फाउंडेशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ. मैं सबके लिए, सबके लिए आज आज अगर हम बढ़ जाएंगे ना फिर बटे रहेंगे. कि देखिए एक पर्टिकुलर समाज का नाम जब आता है तो कोंडवा उसके लिए काफ़ी कुछ बिलावजी के डिस्प्यूट बना के रखे हैं. बेसिकली हम ये बताना चाहते हैं कि कोई इंसान बुरा नहीं होता, एक्चुअली काम के बनेंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा. तो और जो समाज का आप इशारे के तौर पे बात कर रहे हैं वो विक्टिम ज़्यादा है, वैसे भी ज़्यादा है, वहाँ पर जैसा काम होना ज़रूरी है लेकिन हमारा नज़रिया वो नहीं है. सबके लिए काम होगा अगर आप हमारे वीडियोस देखेंगे. इवन हमने पुलिस के साथ मिलकर बहुत सारे यहाँ स्कीम्स हमने किए हैं स्लम एरिया में, झोपड़पट्टी में. तो ये सभी के लिए है, ऐसा कुछ खास पर्टिकुलर जाति जमात के लिए नहीं है. मेरा नाम सलीमुल्ला. सर सर नहीं नहीं वो आपका हो गया, आपका आप ले लें. मेरा नाम सलीमुल्ला.
क्या है उड़ान का हेतु, क्या चलेगा उड़ान के थ्रू, क्या क्या प्रोग्राम दिए जाएंगे समाज को? सबसे पहले उड़ान का मकसद तो सही सर ने बता दिए, लेकिन कोंडवा से ही उड़ान शुरू हो रही है। आज एक क्रांति है, एजुकेशन के दौर में एक क्रांति पैदा हो गई है कि एजुकेशन तो हर संस्था बहुत से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बन गए, आपको तो पता है उस चीज़ों का, लेकिन वो संस्थान नहीं संस्थान बन गए। ब्रिटिश काल के मुगल के टाइम पे संस्थान थे, वो संस्थानों का काम क्या था कि कर वसूली करना। आज ये संस्थान एजुकेशन संस्थान ही हो गए, संस्थान हो गए, उनका काम ये पैसा वो इकट्ठा करना, लेकिन लोगों तक एजुकेशन पहुँचाना ये आज तक किसी ने नहीं किया। एजुकेशन पहुँचा रहे, लेकिन आज देहातों में एजुकेशन का क्या प्रॉब्लम है, क्यों बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, क्या प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना ये उड़ान का सबसे बड़ा मकसद है। कितने दिन का प्रोग्राम रहेगा ये, कितने दिन तक हर एक शहर में कितने दिन तक? बेसिकली ये प्रोग्राम पहले अभी शेड्यूल्ड बना वो 60 डेज का बना, अब उसके बाद ये जब तक लाइफ है हमारी सही सर की, ये उड़ान चलती रहेंगी। और इसके साथ एक उड़ान आज टेक ऑफ ले रही, आगे अगर हज़ारों उड़ान एक्सप्रेस टेक ऑफ हो जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, और एजुकेशन के फील्ड में एक नई क्रांति पैदा हो जाएगी।